देखिए ठाकुर साहब के धक्का लगा रहे हैं। कर सीधिया सीधिया कर सीधिया सीधी कर सीधी एक कहावत कही जाती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, और ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है चुनाव के समय में अनुराग ठाकुर के ऊपर। चुनाव के समय पर चूंकि हर पार्टी हर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, और अनुराग ठाकुर ने भी रोड को लेकर के बसों को लेकर के भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन खुद नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर वो धक्का मार रहे बस को, देखिए हालत क्या हो गई है और अब किस तरह से विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर तंज कस रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। अनुराग ठाकुर रात को कैसे बस को धक्का मारते हुए नजर आए और किस तरह की हालत हो गई, ये मैं आपको दिखाऊंगा। न्यूज 24 ने लिखा है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में हाईवे के बीच में खराब हुई बस को धक्का मारा, ट्रैफिक जाम के चलते मंत्री का काफिला भी फंसा था। अब खैर न्यूज 24 ने यह नहीं लिखा कि सरकारी बस है, हिमाचल परिवहन की बस थी, खराब हो गई बस, और बस को देखिए आप ध्यान से हालत कैसी है, और बिलासपुर हाईवे की तस्वीर है, रोशनी देखिए वहां पर रोशनी नहीं है, कैसे अंधेरे में जो है ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, खुद अनुराग ठाकुर धक्का मार रहे थे। अब इससे ज्यादा पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, ये कहावत जो है वो इससे ज्यादा और सच साबित करने की जरूरत नहीं है। वीडियो आप देखिए, देखिए ठाकुर साहब के धक्का लगा रहे हैं। कर सीधिया सीधिया कर सीधिया सीधी कर सीधी अनुराग ठाकुर यहां पर धक्का मार रहे थे, लेकिन कैसे उन्हीं को धक्का मार दिया गया है, विपक्षी पार्टियां उन्हीं को धक्का मारती हुई नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि अब जो है वो आपके दिल लद गए हैं। ये आप देखिए श्रीनिवास बीवी ने अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा है, श्रीनिवास बीवी का ट्वीट आप देखिए, हिमाचल के डबल इंजन विकास में धक्का मारते हुए भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री 12 तारीख को कुछ इसी तरह से बीजेपी को पहाड़ों से धकेलने के लिए हर हिमाचली पूरी तरह से तैयार है। तो कैसे जो है वो विपक्षी पार्टियों को धक्का मारने का मौका मिल गया है और विपक्षी पार्टी धक्का मार रही है यहां पर भाजपा को, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं भाजपा क्या वादे कर रही है। ये आप देखिए स्क्रीनशॉट में आपके सामने रख रहा हूं, बीजेपी हिमाचल प्रदेश से ट्वीट किया गया है और कल को ही ये ट्वीट हुआ था, कल जब वो धक्का मार रहे थे कल ही जो है कि ट्वीट हुआ, पहले भी शायद हो सकता है ट्वीट हुआ, लेकिन कल का ये स्क्रीनशॉट है मैंने लिया है। इसमें क्या लिखा है, पहले बस किराया आधा कर महिलाओं का सफर बनाया आसान, फिर एक बार हिमाचल की नारी शक्ति को मिलने वाला है कई योजनाओं का लाभ, और यहां पर जो है वो एक महिला है। अब ये कोई एडवर्टाइजमेंट करने वाली कोई महिला है या कोई हिमाचल की जो है वो महिला है या भाजपा की कार्यकर्ता है ये तो खैर हम नहीं बता सकते, लेकिन इनको शायद भाजपा की वो 2014 वाली जो वीडियो है वो निकाल करके देखनी चाहिए। ये जो भी महिला है, जो कई सारी ऐसी महिलाओं के वीडियो जो है वो बनवाए गए थे एडवर्टाइजमेंट के, और जब वो खांसती भी नजर आती थी कि इतना महंगा सिलेंडर, और देखिए 414 वाला सिलेंडर अब 1200 रुपये हो गया है, वो खांसी हो रही है या खांसी बंद हो गई है, तो कई सारी ऐसी जो है बहुत वहां महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के कई नारे बने थे। लेकिन नारे आप देखिए, बस का किराया अदा करने की बात हो रही है, लेकिन बस को धक्का मार करके चलाना पड़ेगा और सवारियों को धक्का मारना पड़ेगा तो आधा किराया फिर ठीक है, या धक्का मारने वाला मजदूरी जो है वो कम से कम वो मिल जाए वो ठीक रहेगा। आप खुद बताइए, 15 रुपए की टिकट अगर वो 8 रुपए में मिल रही है वो ठीक रहेगी, या धक्का मार करके जो 100-150 रुपए कमाई होनी चाहिए सवारियों की वो ठीक है, आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं। खैर एक और मैं आपको दिखाता हूं जो अनुराग ठाकुर की तरफ से जो है वो ट्वीट करके जानकारी दी गई है, और अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं सुनिए आप। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज की जो है खबर है और ये कल की ही खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या लिखा है इसमें, भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो हिमाचल प्रदेश के गांवों में, वो तो बिलासपुर हाईवे था साहब,
जिस पर बस खराब हो गई, धक्का मारना पड़ा आपको। और इसी में फोटो लगाई देखे अनुराग ठाकुर की, और लिखा है भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो हिमाचल प्रदेश के गांव में मेटल रोड बनेंगे अनुराग ठाकुर। अब देख लीजिए आप, गांव गांव में ऐसी ऐसी सड़कें बना देंगे, बसों को चलने की जरूरत नहीं रहेगी, बस अपने आप से बगैर धक्के के, बगैर धक्के के, बगैर डीजल पेट्रोल के दौड़ती भी चलेंगे। कमाल की बात यह है कि यहां पर अनुराग ठाकुर जो है वो कई बार, उनका एक कुछ फेमस नारा है वो जो दिल्ली में उन्होंने दिया था कि देश के गद्दारों को, और फिर आगे आगे डेस 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 कैसे कैसे, तो यहां पर जो है उन्होंने धक्का मारते हुए कुछ नारा नहीं लगवाया। नारा लगवाते तो थोड़ा सा जो है वो धक्का मारने वाली जो वीडियो है उसमें शायद कुछ और संदेश भी जा सकता था। खैर आप देखिए, मैं कुछ एक तस्वीरें और भी आपको दिखाऊंगा जो हिमाचल में जब अनुराग ठाकुर जब दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितनी भीड़ आ रही है वो भी आप देखिएगा। लेकिन एक ट्वीट में आपको और दिखाता हूं, ये आप देखिए, अजय जहां है पत्रकार है, इन्होंने लिखा है हिमाचल में डबल इंजन की सरकार के बावजूद माननीय केंद्रीय मंत्री जी को धक्का लगाना पड़ा, हिमाचल की जनता के पास भी मौका है, सत्ता को रिन्यूअल करे या फिर किसी और को मौका दे। तो अब जो है वो हर कोई अपनी अपनी तरह से इसको देख रहा है कि कैसे एक केंद्रीय मंत्री को उतर करके धक्का मारना पड़ा है। अब ये शायद सोच कुछ और रहे होंगे, लेकिन मामला कुछ और निकलता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब खैर मैं आपको कुछ एक और जो है वो अनुराग ठाकुर के हैंडल से जो हमने निकाली खबरें वो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप कुछ तस्वीरें देखिए, अनुराग ठाकुर जो है वो यहां पर जो है वो प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं अलग अलग जो है गांव कस्बों में शहरों में, और वहां पर देखिए कितनी भारी भीड़ आ रही है। आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं इस तस्वीरों के अंदर, कितने लोग जो है वो यहां पर जो है वो टेंट लगाया हुआ है, कहीं पर जो है वो सड़क के किनारे नीचे गड्ढे के अंदर लोग बैठे हैं, तो कितने लोग इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। कई बार तो हम दिखाते हैं, कई बार कई नेताओं की जो है वो जो रैली होती है उसमें कुर्सियां खाली रह जाती है, लेकिन यहां पर तो कुर्सियां ही नहीं है, और ऊपर से दिख रहा है कि आखिरी जो छोर है वो कितना है। अंदाजा लगा सकते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो है वो भीड़ आ रही होगी। और एक तस्वीर तो देखिए आप, इसमें तो हद हो गई अनुराग ठाकुर की। आप देखिए ये कमाल की बात है, अभी भी मोरबी का हादसा हुआ है, और मोरबी का हादसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि मोरबी के अंदर, ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, और इस तस्वीर में देखिए अनुराग ठाकुर सेल्फी ले रहे हैं, और अनुराग ठाकुर के सामने जो बच्चे बैठे हैं, जीना बनाया जा रहा है, स्टेयर्स बनाई जा रही हैं, और ये पूरा बना नहीं है, नीचे जो सेटरिंग की जो लकड़ियां लगी होती है वो लगी हुई है। देखिए आप ध्यान से जरा, रात की तस्वीर है, थोड़ा सा रोशनी कम है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं और नीचे से फट्टियां लकड़ियां हटाई नहीं गई है। और मोरबी का जो हादसा हुआ था उसकी मेन वजह जो अभी तक निकल करके सामने आई है वो ये है कि पूरी ढंग से मरम्मत हुई नहीं थी, और उस पुल को बीच में ही खोल दिया गया, दिसंबर तक जो है उसमें कुछ काम होना था, उसको बीच में ही खोल दिया गया। और अब देखिए यहां पर अनुराग ठाकुर जिम्मेदार आदमी है, केंद्रीय मंत्री है, क्या उनको इतना भी जो है वो खैर खबर नहीं रही कि आप जिसका सेल्फी ले रहे हैं जिन बच्चों के साथ में, वो जहां पर बच्चे बैठे हैं कि वो जगह सेफ है, सोच करके देखिए, बचना चाहिए। जब आप इतने बड़े जो है प्रदेश स्तर के और देश स्तर के जब कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, तो कम से कम ऐसी हरकतों से और ऐसी जो है वो चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए कहां पर जो है वो काम हो रहा है, खबर आप देखिए, ये भास्कर की खबर है, और इसमें क्या लिखा है, 370 खत्म करने के बाद अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बात हो रही है, बस का धक्का, महंगाई, बेरोजगारी, सरकार का कामकाज, वो सब जो है वो पीछे धक्का लग करके चला गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उस पर बात हो रही है कि 370 हो गया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। तो बहरहाल आप खुद बताइए कि किसको कहां पर धक्का लग रहा है, और किसको कहां पर धक्का जो है वो जनता लगाने वाली है, आप खुद बताइए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एंड सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।